दोस्तों आपने रामायण तो जरूर देखा होगा और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा देते हैं, लेकिन दोस्तों सीता जी ने ऐसी कौन सी गलतियां किया है जिससे सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सीता ने अग्नि परीक्षा कहाँ दी थी, अग्नि परीक्षा के बाद क्या हुआ, राम ने अग्नि परीक्षा क्यों मांगी, अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है, ये सारे सवालों का जवाब दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहले रामायण की कुछ खास बातें जान लेते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे। रामायण की कथा आप सभी ने सुनी होगी या देखी होगी और ये रामायण प्रभु श्री राम और माता सीता के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी बयां करती है। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था और इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। वनवास के कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण करके ले गया था और इसी वजह से राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। रामायण की ना जाने कितनी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक कथा प्रमुख कथा है, सीता माता ने अग्नि परीक्षा क्यों दी। और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या जो सीता अग्नि परीक्षा दी थी वह वास्तव में सीता थी या दूसरा उसका कोई रूप था। तो चलिए जानते हैं। वास्तव में ये बात थोड़ी सी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच अटूट प्रेम के बावजूद भी अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी। इस बात को लेकर भी कई कथाएं सुनने को मिलती है, लेकिन ये बात को समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए संपन्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए जो अब तक रावण के पास थी और उसकी पवित्रता का कोई प्रमाण भी नहीं है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई। अब यह बात आपको जानकर हैरानी होगा कि रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन गए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करेंगे। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तो वो माया की सीता ही थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गई और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। पद्मा पुराण की कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित थे। माता सीता अग्नि देव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली माता सीता अग्नि देव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। रामचरित्र मानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक में
इन प्रासंग का वर्णन किया गया है।